पावर स्टार पवन सिंह की माँ और उनकी बहन के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ आपको हम ये बता देते हैं कि 5 तारीख को बलिया कोर्ट में पवन सिंह को पेश होना है, तो पवन सिंह वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। अब ज्योति सिंह ने जो एलिगेंस पवन सिंह पे लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उनमें सबसे बड़ा आरोप ये है कि पवन सिंह की फैमिली ने और पवन सिंह ने, यानी कि पवन सिंह की माँ ने और पवन सिंह ने ज्योति सिंह के परिवार से 50 लाख रुपए लिए हैं। साथ ही ज्योति सिंह का ये कहना है कि पावर स्टार पवन सिंह ने जब से वो उनसे अलग रह रही हैं तब से उन्हें भरण पोषण यानी कि एलिमनी के तौर पर नहीं दिया है, एक भी पैसा उनके पास अभी तक नहीं आया है। और इससे पहले जब आरा कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी तब ज्योति सिंह ने 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ मांगा था, लेकिन अब बलिया कोर्ट में जब से उन्होंने अपनी याचिका दायर की है उसके बाद यह एलिमनी बढ़कर 5 लाख पर मंथ हो गई। यानी कि अगर ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक होता है और ज्योति सिंह की अर्जी मान ली जाती है तो पवन सिंह को, ज्योति सिंह को 5 लाख रुपए पर मंथ एलिमनी के तौर पर देना होगा। आगे अपने अर्जी में ज्योति सिंह ने पवन सिंह की माँ और उनकी बहन पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही पवन सिंह पर यह आरोप लगाए हैं कि जब ज्योति सिंह प्रेग्नेंट हो गई थी तो उन्हें जबरन दवा देकर उनका बच्चा अबॉर्ट कराया गया है। यानी कि कई बड़े संगीन आरोप आप कह सकते हैं कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर लगाए हैं। साथ ही पवन सिंह 5 तारीख को, ऐसा उनके वकील सुदामा सिंह कह रहे हैं कि 5 तारीख को पवन सिंह पेश होंगे, वो भी बलिया कोर्ट में। और तो और ज्योति सिंह ने एक याचिका दिल्ली में भी दायर की है। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरा में तो पवन सिंह ने पहले तलाक की अर्जी दाखिल की, उसके बाद ज्योति सिंह ने बलिया में, और अब ज्योति सिंह ने एक अर्जी दिल्ली में भी दायर की है। हमने पिछले दिनों आपसे बताया था कि दिल्ली में ज्योति सिंह और पवन सिंह की मुलाकात हुई है, तो वो मुलाकात सिर्फ इसी सिलसिले में थी। वैसे कोर्ट ने इन्हें 1 महीने का जब वक्त दिया था कि अपने रिश्ते सुधारने के लिए, तो इस पे ज्योति सिंह का ये कहना है कि पवन सिंह की तरफ से रिश्ते सुधारने की कोई बात नहीं की गई। तो ये है पवन सिंह के डिवोर्स से जुड़ी हुई अपडेट, और भी इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कोई खबर आती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।